मैं तो भाई लठ मारूंगी कोई आज हाँ, ये तो कीड़े की जैसी है जिंदगी है, जिंदगी थोड़ी है। 3-4-5 साल तो हो गया गंदगी सूंघते सूंघते, मैं तो बोर हो गया। जो भी यहाँ वोट लेने आएगा उसको वोट नहीं लठ मिलेंगे। लठ कौन खावे? मूर्ति देवी के छोरे। मैं बताऊं, सारा गंदा पानी मारी खड़ा है, गंदा पानी मैं पिया, अंदर तक अंदर कमरे तक माँ बढ़ जाए वो पानी। मच्छर मुच्छर में तो बहुत है थरा, मच्छर के उड़ा तो पूरे टटिया रहे हैं। मेरे घर वालों को सबको 24 घंटे गलियां देती होगी, इस गली में क्यों लेके आए हो। सगला दर्शक ने राम राम, मैं थारोबेली आशु, थे देख ला रहे हो झलको हनुमानगढ़। ई टाइम अपन मौजूद हाँ सुरेशिया के अंदर। अठा बता दूं थाने के सुरेशिया का जो वार्ड है 57 बिग वार्ड के अंदर जो गंदगी को आलम है वो इतना ज्यादा है। पीछे देख ला रहे हो थे पेड़ पौधा है सारा, बराबर में ही लाइन है और आ पेड़ पौधा नीचे जो इतनी ज्यादा गंदगी गंदो पानी वार्ड को सारो को सारो अठा आगे ठहरे, जिसकी वजह है जो मच्छर है गंदा गंदा मच्छर है बेपनपा लाग रहा है और भी जो बीमारियां है बे पैदा हो लाग रही है। लेकिन अभी तक ये गंदगी के ऊपर हटान खातर कोई जो स्थायी समाधान है कोई ठोस कदम वो अभी तक उठाए कौन गए। जो वार्ड का लोग है वे बहुत ज्यादा परेशान है गंदगी की वजह, नित रोज अठे रोज हर दिन कोई ना कोई बीमार हो ही खड़े रहे जी की वजह। तो बातचीत करेंगे वार्ड का लोगों से। नाम आंटी जी? तारो मूर्ति देवी। अच्छा आंटी जी, मच्छर मुच्छर में तो बहुत है थारा, मच्छर के उड़ा तो पूरे टटिया रहे है। टटिया रहे? मच्छर को नहीं आ रहा, टाटिया आ रहा भाई। मामा वो घोड़ा एक मोटा मोटा पीस। हाँ वही अठे सारे आओगे फिर 15 दिन हो गए वहाँ पड़ी ने, रोटी खाने के नहीं कोई, पानी पीने के नहीं कोई, हाले का बालका का इतनी कमाई को नहीं जितनी डॉक्टर ने कुछ जमा गया। मैं तो भाई लठ मारूंगी कोई आज ये लठ मारेगा। हाँ लठ मारूंगी भाई, वोटा में बंग लाग जाएगी फिर, लाग जाएगी मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगी बंग लाग जाएगी थाने जेल हो जाएगी फिर। मैं तो उनके गले मर जाऊंगी, लाग के गले। अच्छा गले लाग के? हाँ थे तो भी मरे पड़े हो सारा का सारा बीमारी के अंदर, जाते तो मरे पड़े हैं, जाते तो मरेंगे गले लाग लाग के। कोई हाल थोड़ी है बावड़े, एक महीना हो गया उड़े जो दुनिया भर का गंद खाने लग रहे पीने लग रहे लोग बोलना तो थे। एक बात बताओ मूर्ति देवी जी माता जी बने थे अड़े सब ज्यादा सीनियर हो दुनिया देखी है जी टाइम विरोध क्यों विरोध कौन करे भाई? तू घर में बढ़ जाओ मैं घर में बढ़ जाऊँ, लठ कौन खावे? मूर्ति देवी के छोरे। मैं बताऊ अब जब डंडे पड़े है ना, जब नासा में डंडे हुए जब लोग उठे थोड़े थोड़े ना, कोई एक महीना हो गया ऐसे कोई को नहीं रोया, तो बताओ ना एक महीना पहले को नहीं आओ गंद में बैठे वो बालक बेचारे। क्या नाम है थारो? हाँ जी मेरा नाम वीरपाल कौर है। अच्छा। मुझे इस गली में आए हुए 5 साल हो गए और 5 सालों से मैं तो यही समस्या देख रही हूँ, पानी बिजली लाइट। जैसे नगर पालिका सो गई है इस गली की तरफ देखती भी नहीं है, अंडर पास बनाना उनको पता है कि अंडर पास बनाना है, चूना फाटक की रोड बढ़िया बनानी है, सतीपुरा का फाटक हाईलाइट करना है क्योंकि उनको दिखाना है ना दिखावा करना है। तो इस गली को लेके तो उनकी आंखें बंद है, उनको लगता ही नहीं शायद इस गली में इंसान रहते हैं, उनको लगता है इस गली में जानवर रहते हैं शायद। नगर पालिका वाले बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं, वो देखते भी नहीं है इधर। पानी जो सीवर का पानी है वो पीने वाले पानी के अंदर मिक्स हो के आ रहा है, हम बहुत परेशान है डेंगू मलेरिया मच्छर। अच्छा, मतलब पीना पानी सीवर मिक्स हो गया वाला। उसके वो अंदर पानी क्या पियो थे? वो तो आप खुद ही इमेज कर लो भी कैसे पीते होंगे। हम तो कभी तो पार्क से ले लेके आते हैं वाटर कूलर भर के, कभी वो आरओ वाला खरीदते हैं, कभी कैसे अब सिर्फ नहाने और बर्तन धो लेते हैं तो भी उसमें खाना खाने का मन नहीं होता। जानवरों जैसी जिंदगी हमारी है, इतने पेड़ पौधे बेफालतू के लाइनों के साथ हैं, खड्डे हैं इतने उसमें पानी भरा जाता है, तो सीवर वाला पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी कोई निकासी नहीं है। अंडरपास बना रहे हैं उन्होंने, आगे से बंद कर दिए सीवर, तो सारा पानी अब हमारे घरों के आगे खुला कर दिया उन्होंने। हम तो ना तो कूलर के आगे सो सकते हैं ना पंखों के, आज नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे हैं हम, पशुओं से बेहतर की जिंदगी हो गई है। और सबसे ज्यादा मैं नहीं आई हूँ इस गली में 5 साल से, और मैं तो मेरे घर वालों को सबको 24 घंटे गलियां देती होगी, इस गली में क्यों लेके आए हो, इस जानवरों जैसी जिंदगी क्यों पछता रहे हो? बस बहुत ज्यादा पछता रहे हैं जी, बहुत ज्यादा। मेरा नाम गीता है। कितना टाइम रहे हो? मारे हो ही गए कोई 30 साल तो हो ही गए। गंदगी कितना साल? गंदगी हो ही गए 3-4-5 साल तो हो ही गए गंदगी सूंघते सूंघते, मैं तो बोर हो गया। अच्छा, बोर हो गया तो गंदगी से मर गए वास्तव में ही। ये बीमारी है, ये बीमारी नहीं तो और क्या है, सारा गंदा पानी मारे खड़ा है, गंदा पानी मैं पिया, अंदर तक अंदर कमरे तक माँ बढ़ जाए वो पानी, ना तो मैं बैठ सका ना मैं उठ सका। हाँ ये तो कीड़े की जैसी है जिंदगी, है जिंदगी थोड़ी है। बीमार शिमार भी हो तो बीमार होते हैं वो छोरी, अभी तक वो डेंगू बुखार ही छोड़ दिया तो बीमार ही हूँ मैं और क्या करा। कोई एक बढ़ती कोई स्थायी समाधान कोई गंदगी समाधान नहीं हुआ, बस आते हैं वो सीवर वाले तो पैसे कर करा कर भाग जाए, मुड़के सीवर फिर गंदगी चालू हो जा फिर चालू होगी। अब जो मौसमी बीमारी है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये झाड़ झूड़ है जो ये सारा गंदगी हमारे है, ये गंदगी यहीं पे सारी, अब कहाँ जाए गंदगी से लेके, अब कोई कोई सुनते ही नहीं हमारी। तो कोई जनप्रतिनिधि किसी से बात करी के थे मतलब इन हटाने खातर? हटान खातर करी बात, कोई सुनते ही नहीं हमारी, क्या करा। गरम बदबू भी आवा के बदबू, मैं कहते इतना सूंघ सूंघ के वहाँ रोटी को नहीं खाई जाए, जब से ये सीवर गंदगी आ गई ना तब से हमारी जिंदगी खराब होगी।
या तो या सीवर बंद करा दो और या तो आए दिन साफ कराओ। तो नगर परिषद का जो कर्मचारी हो साफ सफाई अरबे अठावा को आवे है, कभी कभी मर्जी से आए अगले, जो कभी कहा तो बस वह कभी आया दो महीना को, जब तक जब आते ही नहीं, पहली बात आवे कोई नहीं, आते भी है माड़े मोटे करके चले जाए, फिर वो बंद हो जाए, फिर वो शुरू हो जाए लेटिंग चलना। तो कोई बीमार शिमार भी हो गए? बीमार तो है रोज ही रहने, गंदा पानी पीवे, आज टूटगंज पानी दे बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा पानी बहुत गंदा होना है। बात करना जनप्रतिनिधि और है, कदे कोई आया को नहीं वोटा का टाइम और कदे कोई नहीं होता, अब का वोट वोट का टाइम आओ जद के करेगा रस कावांगे, सारे सफाई होनी चाहिए है, वोट ना पावांगे। कितना टाइम रह रहे हो रेशम सिंह जी? कम से कम 18 19 साल हो गए। 18 19 साल? हां जी। तो बीमार कितनी बार होया? मार तो कई बार ही होया, आए साल ही होवा गर्मी के मां, आए साल ही हो। कितना रुपया लग जाए डॉक्टर का? लग गया ये पैसा तो लगा ही है, बच्चे भी हो जाए, घरवाले भी, मैं भी हो जाऊँ बीमार। सीवर ये ना छोटी पाइप है, इंगा अपना जितना भी मकान है, इंगा छत का पानी, घर का पानी, लेटरिन का पानी, वो इतनी मान लो सप्लाई हुआ को नहीं, एक वो नीची रह जाए, वो ऊंचा है जरिजेंद्र पास ऊंचो है, इन्हें नीचो सारो को सारो, मतलब बारिश के टाइम तो और ज्यादा गंदो हाल हो जाता है। हाँ अपने अंडर पास बने हुए हैं, बट एक है सीवर वो भरे हुए पूरा ही भरेगा, मी का मी वाले टाइम में पूरा पूरा भरेगा। ठीक है गिरता रहो। हाँ घर उठी है। कितनी बार बीमार हो गया? बार में पता है 100 बार ही हो गया होना। 100 बार बीमार हो गया? हाँ मतलब 100 बार बीमार हो गया तो मतलब साल में 2-3-4 बार बीमार होता ही रहो। मच्छर मच्छर तो रोज बीमार होने, मच्छर रोज ही बढ़ता है। नहीं तो एक बार नगर परिषद फोगिंग मशीन भी तो आए कर बा, फिर के कौन जावे केड़ा मच्छर मारना रे? ओ नहीं हमदी कोई नहीं हमदी। अच्छा आवे को नहीं आता? हां और मच्छर इतना मतलब इतना मोटा मोटा मच्छर? मोटा मच्छर है इतना मोटा मोटा? मोटा मोटा मक्खी मक्खी जिन्ना मोटा है मच्छर, बीमार मलेरिया बन जाता है। फिर हुण कई दिन हो गए, 5-4 साल तो हो गए जे सीवर पाए ना, तो पानी मुश्क मारदा गंदा पानी, मेरे को अगले पास बंद हो जाता है, ऊपर चलता है। यहाँ पे नए मेंबर आते हैं ना, वो यहाँ की हालत को देख के परेशान हो रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि पछतावा महसूस कर रहे हैं। हम तो चलो हमको तो 10 साल हो गए आके रहते हुए को, मतलब कोई नया आवा कोई लोग है बस ना, तो थे पड़ोसी होने तो थारो फर्ज बना बड़े कभी अठा ना रहो थे, तो थे वाने कुछ कहो जो हमारे संपर्क में आ रहा है ना, उनको तो हम हाथ जोड़ के विनती कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे नहीं आओ तो ठीक है, हम तो खुद निकलने को यहाँ पे फिर रहे हैं। लाइट को वाली आ रही है, लाइट का कट तो डेली है, गर्मी में भी वैसे दिक्कत रहती है, और ये रोड लाइट है वो अपनी सारी बंद पड़ी है। जी हूँ जगह, मतलब जगह की जगदी नहीं जी, हमारी दिवाली कभी होती नहीं, हम अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। इस रोड के ऊपर शायद उन्होंने व्यवस्था ही नहीं कर रखी कि इनको लाइट की, मतलब एक तरीके से सोते लो व्यवहार हो रही है बिल्कुल। नगर पालिका आंख बंद करके बैठी है, उनको लगता ही नहीं है कि इस गली में कोई इंसान रहते हैं, उनको संभाल लिया जाए। अब की बार हम गली वालों ने ये सोचा है कि जो भी यहाँ वोट लेने आएगा उसको वोट नहीं लठ मिलेंगे। गंदगी मतलब इतना ज्यादा आलम है, इतनी ज्यादा गंदगी है, अगर लोग बाढ़ का लोग है परेशान है पूरी तरीके, पूरा को पूरा एरिया है जो सेम की सेम इसी ही कंडीशन है, पूरा के पूरे एरिया में इतनी ही गंदगी है जी, आगे देख ला रहे वो पानी है खड़े पानी, इसके अंदर इतना ज्यादा मच्छर पनपा लग रहा है, और वार्ड का लोग है बे इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि बे अठू पलायन करने के बारे में है जो वार्ड का लोग सोचा लाग रहे हैं। तो सारी की सारी समस्या है, सारी की सारी दिखाई है, कॉलोनी का लोगों को जो गुस्सा है वो भी फूटे, और कॉलोनी का लोग अभी बात बोलिए कि वोट आरो टाइम जब अगर कोई वोट मांगना आयो तो मैंने वोट की जगह मैं लठ देऊंगा। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन में दबा दे, और ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थारे भी गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारे झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, थे माने नंबर पर फोन करो, मैसेज करो, मैं बड़े जरूर पूछूंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। माने दो इजाजत, मिला थारसा के नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।